सो हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अभी मैं दो चोटी में हूँ, ये देख सकते हो, ये यहाँ से गिर रही है। सो प्लीज़ इसको नोटिस मत कीजिएगा, मैं दो चोटी बनाई हूँ, ठीक है गाइज, आप लोग के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए। सो गाइज लोग, अभी मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं नहा के आऊँगी, फिर हम लोग जाएंगे ब्यूटी पार्लर, सैलून जाएंगे, सैलून वहाँ पे मेरा हेयर कटिंग करवाएंगे, बिकॉज मेरा हेयर बहुत, मतलब बहुत हेयर फॉल हो रहा था, मेरा हेयर का लेंथ बहुत लॉन्ग है ना, सो डैट्स वाई। और मैं अभी तमिलनाडु में हूँ और यहाँ का शायद पानी मुझे सूट नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ की जितनी भी गर्ल्स लोग हैं वो लोग जब से जहाँ तहाँ से आई है, आसाम से आई है, कोई नेपाल से आई है, कोई वगैरह वगैरह से आई है, तो उन लोगों भी यहाँ पे आने से बहुत हेयर डैमेज हो गया है। सो इसी के लिए मैं सोची हूँ कि इन माय अकॉर्डिंग कि अगर मैं दो छोटी, आई मीन सॉरी, कि मैं हेयर कटिंग कराती हूँ तो उसमें कोई डिफरेंट दिखता है या नहीं दिखता है, आई डोंट नो, बट डिफरेंट दिखना चाहिए, पॉसिबिलिटी यही है कि डिफरेंट दिखना चाहिए, फिंगर क्रॉस की हूँ। सो ये मेरा बाल है, सो अभी मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद सैलून जाएंगे, फिर हेयर कट होगा, कौन सा हेयर कट कटवाऊँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, सब मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ गाइस लोग ब्लॉग पूरा देखा कीजिए, पूरा देखिएगा तभी आपको इंटरेस्ट जगेगी, और जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उन लोग को क्या बोल सकते, उन लोग को भी वेलकम तो मैं करूंगी, सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, बिकॉज मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ, दिल से बनाती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें मेरा वीडियो। सो ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए ही लेके आई हूँ। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ बात लेने के लिए, फिर उसके बाद मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो मैं अभी बात लेने जाऊँगी, बात मीन्स जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके मैं हिंदी से ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि बात मतलब नहाना। सो मैं अभी नहाने जाऊँगी, उसके बाद में मैं जाऊँगी सलो हेयर कट कटवाने। सो अभी के लिए फ़िलहाल बाय गाइस, सो जाती हूँ मैं नहाने, बाय गाइस, इसे इग्नोर करे इसे, ठीक है, सो बाय गाइस। और आप तो कमेंट में बताइए कि मैं दो पोनी टेल ऐसे बनाई हूँ, दो चुट्टी की हूँ तो मैं कैसे दिख रही हूँ, ठीक है, बाय। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग सैलून जा रहे हैं, सो अंदर आ चुके हैं, सो कैसा होता क्या नहीं होता देखते। सो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हाँ, स्टेप लेयर कट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा हेयर कट कटवाने का बिफोर का हेयर है कि मैं कट कटवाने गई थी, तो चलो मैं, मुझे फ़ोन अलाउ नहीं करने दिया कि फ़ोन, ये तो बाहर में थी और अंदर भी था, फ़ोन अलाउ नहीं था वीडियो करने, इसी के लिए मैं सॉरी गाइस, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो मैं हेयर कट कटवा के आ गई हूँ, मैं देख रही थी क्या क्या कर। हेलो
गाइस लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं हेयर कट कटवा ली और मैं लेकिन बहुत शॉर्ट कटवाई है, बहुत शॉर्ट हो गया गाइस लोग, मेरा ऐसे हेयर नहीं था। सो मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, बहुत शॉर्ट कटवाई हूँ। और सो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ ये खाना खाने के लिए। तो खाना नहीं मीन्स कुछ तो हमने ऑर्डर किए हैं, पनीर चिल्ली। तो वो आएगा तो अभी हम लोग खाएंगे पनीर चिल्ली। वो आएगा पनीर चिल्ली तो हम लोग पनीर चिल्ली खाएंगे। और मेरा बाल देखिए गाइस लोग, वहाँ मैं जो सैलून में कटवाई वहाँ पर गाइस लोग वहाँ पे वीडियो शूट करने नहीं अलाउ, तो सॉरी गाइस लोग वहाँ पर अलाउ नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब अगर बाल मैं कटवाऊँगी तो वहाँ पर नहीं कटवाऊँगी, मैं कहीं और जाकर बाल कुछ दूसरा सैलून देखूँगी, वहीं पे बाल कटवाऊँगी। फिलहाल चलो गई थी और वहाँ पे मैं कटिंग भी कटवाई और डिटैन का भी, मैं डिटैन फेस डिटैन भी की हूँ, इसी के लिए मेरा लिपस्टिक और आईलाइनर रिमूव है। सो क्या सो और मैं जब फर्स्ट टाइम मैं डिटैन की थी तो गाइस लोग मैं आपको जैसे बता दूँ कि मैं फर्स्ट टाइम मैं डिटैन की थी तो पूरा फेस मेरा पूरा जल रहा था। तो वो बोली कि नहीं ये नॉर्मल है, नहीं हो पाएगा, मतलब नॉर्मल है धीरे, मतलब सब कूल हो जाएगा। तो हाँ बोले कि फर्स्ट टाइम गाइस बहुत ही ज़्यादा मेरे को इतना जल रहा था, मेरा फेस बहुत बर्निंग हो रहा था गाइस लोग, सीरियसली मैं सोची कि मेरा फेस कब भरता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, देखिए कैसा लग रहा है आप लोग, प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए। सॉरी गाइस मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, ब्लॉग बनाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो सैलून में फ़ोन अलाउड नहीं था, वहाँ तक अलाउड था लेकिन अंदर तक अलाउड नहीं था। सो इसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी टू माय व्यूअर। तो अभी तो फिलहाल मैं वो सब छोड़िए, अब हो गया बाल मेरा कटिंग हो गया, लेकिन इतना शॉर्ट बाल मैं जब 7 और 8 9 क्लास में थी ना, तब मेरे बाल इतने शॉर्ट थे, मेरी मम्मी देखी तो मालूम नहीं क्या बोलोगी, क्या रिएक्शन होगा, मेरा बाल का लेंथ बहुत ज़्यादा था ऐसे। तो कोई नहीं गाइस लोग, सो अभी कब आएगी मालूम नहीं, अभी वेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय। ना रोहन नूडल पता नहीं गाइस मैं क्या देख रही थी, क्या सोच रही थी मालूम नहीं, कि मैं खाने का टेस्ट सोच रही थी क्या नहीं सोच रही थी मालूम हो गया। कौन वाला पास्ता? ये वाला पास्ता ये वाला नहीं। बड़ा लेते देखिए, ये वाला है तो ये वाला है। ये वाला इसका मसाला है, देखो इधर इसके जगह ये वाला ट्राई करते हैं। कहाँ तुम्हें ये मसाला है? Thank you.
हेलो गाइस वेलकम बैक। सो मैं अभी ये हेयर कटवा के आ गई हूँ। सो ये बहुत ही छोटा कर दिए। सो गाइस लोग आप लोग बताइए कैसे लग रहा है। सॉरी गाइस मैं आपको तभी बोल दी कि वहाँ पे ब्लॉग शूट करने नहीं नॉट अलाउड था फ़ोन। सो ये देखिए मेरा लेंथ, ये देख सकते हैं मेरा हेयर, और पीछे से तो मैं कैसे दिखाऊं, ये देखिए। सो ये देखिए मेरा हेयर, और आगे से ये देखिए कैसे लग रहे हैं हम गाइस लोग आपको बताइए। ये देखिए सो कैसा लगा मेरा न्यू हेयर स्टाइल। ये है फोन कट, ये मैं लेयर कट बोल रही थी लेकिन उन लोग फेदर कट काट दिए। और ये देखिए गाइस लोग मेरा बाल कट हो गया है। सो और मैं डिटैन भी की हूँ मेरा चेहरा में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नो फिल्टर नो एनीथिंग। सो आप लोग बताइए ये कैसे लग रहे हैं मेरे चेहरे में, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, आप देख सकते हो कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं मेरे में, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो और मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोग। प्लीज़ आप लोग गाइस बने रहिए ब्लॉग, चलिए देखते हैं क्या क्या लेके आए। सो गाइस लोग आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैं मार्केट में आ गई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये पहला हम लोग लिए है, मास्क लिए है गाइस लोग, ये 2-in-1 है, इसका प्राइस पड़ा 265। और ये बोतल है गाइस लोग देख सकते हो, इसका प्राइस है 108 रुपया। और ये है मैगी मसाला, और ये है पास्ता पिज़्ज़ा सॉस लेके आई हूँ मैं गाइस लोग। ये है चिकन डिलाइट सूप है ये गाइस लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो जैसे आगे आप लोग देख सकते हो ये है पास्ता। सो ये भी देख सकते हैं पास्ता खाती है। ये साबुन है, ये भी सोप है, और ये है चिकन डिलाइट सूप जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये है सरसों, इंग्लिश में बोले तो मस्टर्ड सीड है, ये तड़का उड़का में देने के लिए अच्छा है। तो ये हम लोग को पेप्सोडेंट लेके आया है गाइस लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पेप्सोडेंट है बातचीत को घिस घिस करने के लिए। ये भी पास्ता है गाइस लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पास्ता है। तो ये है मैदा, ये है होट सूप वेजिटेबल सूप है गाइस लोग। सो ये है हक्का नूडल्स मसाला गाइस लोग, और ये ब्रश है गाइस लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये सेंसोडाइन का ब्रश है, इसका प्राइस लिया है 100 रुपीज़। ये मैं अपने लिए नेल रिमूवर लेके आई हूँ गाइस लोग। और ये है मटन मसाला गाइस लोग, ये भी मटन मसाला है, ये मैं दो वो लेके आई हूँ। और ये है टाटा सोल्ट है गाइस लोग, देसी नमक। और ये मैं दो गो रबर लेके आई हूँ बिकॉज मेरा हेयर अब शॉर्ट हो चुका है, इसी के लिए दो गो मैं रबर। आप लोगों को गाइस लोग कैसे लगा, लड़कियों बताओ मेरे हेयर बैंड कैसे लगा, न्यू हेयर बैंड।
ये फॉर्चून का कच्ची घनी तेल लेके आए हैं हम लोग। ये तेल 1 लीटर हम लोग को पड़ा 248 रुपीज। ये मैं गाइस फेस वॉश लेके आई हूँ बिकॉज मेरा ये फेस ये हो गया था, इसी के लिए मैं लेके आई हूँ। मैं इसका भी अलग से रिव्यू दूंगी गाइस लोग। और ये मैं नेल पेंट लेके आई हूँ गाइस लोग, नेल पॉलिश न्यू। तो इतना तो हो गया, ऑल फिनिश गाइस लोग। गाइस लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं। और गाइस लोग बताइए कि इतना जो खरीदे इसका बिल कितना आया होगा। आप लोग गैस कीजिए कितना जो खरीदे है इसका बिल कितना आया होगा। इसका बिल आया है ये देखिए 1805 रुपया, डिस्काउंट में मिला है 171 रुपीज। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस लोग। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, मेरे लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसी के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय गाइज।